नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है आरंभ हो चुकी है और इस यात्रा के लिए जहां प्रशासन पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो आने वाले यात्री हैं उन्हें किसी तरह की भी कोई मुश्किल ना हो, और देखा जाता है इसके साथ ही साथ कई ऐसे फाउंडेशन, कई ऐसे लोग हैं जो यात्रियों को हर तरह की सहूलत प्रदान करने के लिए आगे आते हैं। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के मेंबर, चेयर मेंबर हमारे साथ समय मौजूद हैं मानिक उप्पल जी। इनसे जानना चाहेंगे कि आज आपने पत्रकार वार्ता की और जैसे कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, आप भी इसमें योगदान दे रहे हैं, किस तरह का योगदान है? मैम, सबसे पहले तो मैं मानिक उप्पल, चेयरपर्सन स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, ये बताना चाहता हूँ कि खाली गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए। होता क्या है कि हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी के देश है, उसके बाद भी डाटा कुछ मिस भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि अब जैसे श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरुआत हुई तो हमारे महामंत्री जो हैं गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा जो उन्होंने अरेंजमेंट सारे मैनेजमेंट किए हैं उसको हम बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारा शहर, मंदिरों का जो शहर है, वो देश विदेश से यहाँ पे लोग आएंगे। तो हमारे जम्मू के लोगों को वैसे भी खंड मीठे लोग डोगरे बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा योगदान दे रही है, सिक्योरिटी पर्सोनल, डॉक्टर्स, ट्रैफिक अपने परिवारों को छोड़ के ये 2 महीने वो दिन रात हमारे लिए सेवा करेंगे, तो हमारा भी ये बनता है कि एज ए सिविल मेंबर, सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने हमें कुछ ही महीनों पहले रजिस्टर किया स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बैनर के तले। हम चाहते थे, हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम अमरनाथ यात्रा में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उस सेवा को हमने एक ठंडे पानी का हमने वाटर कूलर इंस्टॉल करवा रहे हैं, जिसमें 60 दिनों तक जो यात्रा चलेगी उसमें हमारा ये जो वाटर कूलर है लोगों को पानी की सेवा उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ हमने एक वाटर कूलर बैकअप पे रखा है ताकि कभी भी कोई ट्रबल आ जाती है उसको हम जितनी जल्दी हो सके रेक्टिफाई करें, और इसके साथ साथ कोई भी यात्रा में हमारे लाइक कोई हमें सेवा का मौका मिलेगा हम उसमें बढ़ चढ़कर योगदान देंगे, क्योंकि खाली गवर्नमेंट का ही काम नहीं है हर चीज को देखना। अगर हम अपने परिवारों को देख सकते हैं तो हमारे पूरे देश विदेश से जो हमारे जम्मू शहर में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी में लोग आ रहे हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको बढ़ चढ़कर उनका स्वागत करें ताकि जब वो यात्रा सफल करके यहां से वापिस जाएं तो हमारे जम्मू कश्मीर का जो नाम आगे ही बुलंदियों पे है वो और बुलंदियों पे रहे, और हर जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान की और जो विदेश से भी लोग आए होंगे उन वो सच में लोगों को बता सके कि जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है और यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है बहुत बढ़िया है। सभी जानना चाहेंगे सर, 62 दिन की यात्रा होने वाली है और पहली बार ये यात्रा इतनी बड़ी होने वाली है, क्या कहेंगे? ये यात्रा का इस बार प्रयोजन किया गया है, इसमें LG साहब की क्यादत में बहुत कोशिश की गई है कि यात्रियों की ये यात्रा जो है बड़ी सुविधापूर्वक और अच्छे तरीके से संपन्न हो, और इस डायरेक्शन में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा काम करवाते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रखते हुए और यात्रियों की जो सिक्योरिटी जो है वो पूरा का इंतज़ाम देखते हुए यात्रा का आगाज़ किया है। ये यात्रा जो है काफ़ी दिनों के बाद, ये 2 महीने की हुई है, नहीं तो बीच में कई 1-2 साल तो हो नहीं पाई, जहाँ कभी हुई भी है तो बड़े 15 दिन की, 18 दिन की कई यात्रा जो होती रही है। इस बार हम भी ये समझते हैं कि ये यात्रा, इसका बहुत महत्व है। ये यात्रा जो है देश में, विदेश में, भारत में जो हालात हैं उनको बताती है कि वहाँ कितने शांतिपूर्वक तरीके से इतनी बड़ी यात्रा हो रही है और होती है और होती रहेगी। यात्रियों के लिए हमारी संस्था ने, जो NGO है स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, वो अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन देते हुए ठंडे पानी की सुविधा प्रदान की है, जो पूरे यात्रा की ड्यूरेशन जो 62 दिन है वो चलेगी उसकी, और जो कुछ भी संस्था का छोटे जो मीगर रिसोर्स हैं उसके देखते हुए अगर किसी तरह की भी कोई भी सहायता हम यात्रियों को दे प्रदान कर पाए तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। हम ये चाहते हैं कि यात्रा पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और यात्री जो हैं अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। शुक्रिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम अंगद सिंह है। हमने एक मिलके एक एक्टिविटी की है स्टैंड विद ह्यूमैनिटी की तरफ से, वाटर कूलर की सेवा हम देना चाहते हैं ताकि यात्रियों को ठंडा पानी मिलता रहे।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के चेयरपर्सन और उनके साथीगण साथ में है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, यात्रियों को हर तरह की सुख सुविधा प्रदान हो इसके लिए कई सारी एनजीओज जो है सामने आती हैं। स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन द्वारा एक वाटर कूलर लगाया जा रहा है जिसमें भीषण गर्मी में जो आने वाले यात्री हैं उन्हें ठंडा पानी मिल सके, और ये यात्रा जब तक यात्रा चलेगी तब तक ये सेवा इनको मिलती रहेगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।